नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स मेडिटेटर्स। तो आज हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे। पूरे महीने हम इस दिन का इंतजार करते हैं, फुल मून मेडिटेशन। मालूम है हमें कि आज के दिन 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है, और जितने भी हम ध्यानी होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, तो इस दिन की ऊर्जा को, एनर्जी को हम जाया नहीं जाने देते। जितना हम ध्यान करते हैं, भले ही हम नॉर्मली जितनी हमें एनर्जी मिलती है मेडिटेशन की, जितना हमें फायदा होता है, आज पूर्णिमा ध्यान में 3 गुना ज्यादा ऊर्जा और फायदा हमें मिलता है। और आज की रात भी, अगर पूरी पूरी रात हम सब ध्यानी जो होते हैं, सीरियस मेडिटेटर होते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के ध्यान भी करते हैं, तो और हम जानते हैं कि पिरामिड, ये मेडिटेशन में जो फुल मून है, पूर्णिमा का जो चांद है, तो चांद का इफेक्ट पड़ता है पानी में, और समंदर में हाई टाइड होती है इस दिन, पानी में उछाल होती है इस दिन। और हमारे, जिस तरह पृथ्वी के अंदर 70% जल तत्व है, वाटर है, हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल तत्व है, और वो जल, वो पानी इमोशंस का काम करती है, तो हमारे इमोशंस भी बहुत हाई होते हैं ये पूर्णिमा के दिन में। और इसका 3 दिन असर, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद। ये तीन मेजर हमारा जो दिन है, डेज हैं, तो इस दिन तो बहुत हाई एनर्जी रहती ही है, और वैसे 5 डेज भी कहते हैं। तो जितना आज है पावरफुल, उतना ही कल भी था और आने वाला कल भी रहेगा। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अपने इमोशंस को हम बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह के भी इमोशंस होते हैं, चाहे वो बहुत खुशी के हैं, दुख के हैं, जैसे भी हैं, तो वो सब कुछ हाई हो जाते हैं। आप खुद अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कभी कभी लगता है कि आप बहुत ही खुश आनंदित में आज ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, कभी किसी के कुछ सब दबे हुए इमोशंस होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं, तो वो भावनाएं सारी निकल कर आती हैं। आप अपने, या तो अपने किसी करीबी हो, या फोन पे वो आप किसी को अपने फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे, बताते हैं, या फिर आप चेक करेंगे कि आपको कल रात में बहुत कुछ अलग अलग तरह के सपने आ रहे थे, तो या फिर आज रात में भी, तो आपको ड्रीम के लेवल में भी आपको बहुत सारे सपने कुछ कुछ आते हैं, तो आप अपने एक डायरी बना सकते हैं, किस तरह के सपने आप आते हैं वो लिख सकते हैं, जितना याद रहे, कैसे कैसे साइन आपको मिल रहे हैं इन दिनों, ये 3 दिन या पूर्णिमा के समय, कि कभी कोई फेदर मिलता है, कभी कोई रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, 111, 444, 777, तो इस तरह से कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रहा है, तो कभी आपको मोबाइल में कोई रिपीटेड मैसेज दिखते हैं, या कहीं पर आप जा रहे हो तो कुछ वो मैसेज पढ़ने में आता है पेपर में, या इस तरीके से आपको, तो आप वो सब क्या होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपना खुद ही डिकोड कर सकते हैं। डिकोड मतलब कि आप खुद ही उसको, उसका निकाल सकते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। आप बहुत समय समय कुछ आपके सवाल होते हैं मन में, कुछ इस तरह के बहुत चीजों को लेकर के, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सवालों का जवाब खुद ही, हमारे अंदर ही सब कुछ छुपा है, लेकिन इस पूर्णिमा में आप उस एनर्जी को यूज करते हुए अपने सवाल का जवाब मांग सकते हैं। और वो कैसे, मान लीजिए आप किसी पेपर में, आप अपने जो भी मन में कुछ सवाल है, क्वेश्चन को लिखिए, आप उन सवाल को लिख करके रात में अपने पिलो के नीचे, तकिए के नीचे रख करके उस पेपर को सोच जाइए, और एक इंटेंशन डालिए कि मेरे सवाल का जवाब मुझे सपने में मिल जाए, मुझे ड्रीम में मिल जाए, तो हो सकता है आपको ड्रीम स्टेट में आपको वो जवाब मिल जाए। या फिर हम लोग क्या करते हैं, और कभी कभी पेपर में लिखे सवाल को या मन में सवाल को रख करके हम लोग ध्यान के समय मेडिटेशन में बैठते हैं, तो बिगनिंग में वो क्वेश्चन रखते हैं कि मुझे उसका जवाब मिले, तो हो सकता है सेम डे ना मिले, आगे पीछे जैसे भी मिल जाए, तो ये चीजें भी होती है। कभी कभी होता है क्या, कभी हम कोई चाबी रख के भूल जाते हैं, हमारे लेडीज लोग का आदत होता है, अच्छे से रख दिया, कुछ ज्यादा ही संभाल के रख दिया, भूल गए, कुछ पेपर कहीं पर अच्छे से संभाल के रख दिया, भूल गए कहाँ, तो वो आप उसको भी बोलकर सो सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं कि मुझे याद आ जाए या दिख जाए कहाँ मैंने रखा है, तो ये भी दिख जाता है, चाहे सपने में चाहे मेडिटेशन में, तो इस तरह की चीजें होती है। और ये जो फुल मून है इस मंथ में है,
हॉरोस्कोप के हिसाब से जो राशि फल वगैरह होता है, तो उसमें ये मंथ है पाइसेस का, पाइसेस राशि जो कि मीन राशि, और जो मीन राशि है, जो पाइसेस है, वो क्या है, सबसे लास्ट वाला राशि है। सारे राशियों में आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला राशि होता है, तो लास्ट माने एंडिंग। तो ये जो फुल मून है ये थोड़ा खास इसलिए है कि आपके जो भी लाइफ में कोई पुराना चैप्टर है, कोई पुरानी बातें हैं, उन चीजों की एंडिंग हो सकती है, और जब एंडिंग होती है तो न्यू बिगनिंग, एक नई चीज की शुरुआत भी हो सकती है, कुछ अच्छा नया शुरू करना और कुछ पुराना, चाहे वो हमारी कोई बैड हैबिट थी या फिर हमारे कोई किसी भी तरह की कुछ निगेटिव जो लाइफ में चल रहा था उसका एंडिंग होना, वो आप अंत उसका एंडिंग होने का टाइम आ गया, या फिर आपके अपने आप में खुद ही चेक कर सकते हैं कि मेरे कमरे में या मेरे अलमीरा में कौन सी ऐसी कुछ निगेटिव चीज है, कौन सी ऐसी बहुत पुरानी चीजें रखी है जिसका कि कोई काम नहीं है, जिसको कि मुझे हटाना है। तो ये मंथ, ये फुल मून है रिलीजिंग का। आप चाहे कोई पुरानी बातों यादों को निकालें, कुछ सामान पड़ा है उसको निकालें, या फिर आप देखेंगे कि कुछ पुराना चलता आ रहा था, कोई पुरानी बिलीफ सिस्टम भी, यहाँ तक कि कोई पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम पैटर्न है उनको भी, वो रिलीजिंग का समय है। तो कुछ उस पुरानों को हटा के कुछ नया स्टार्ट करें। तो न्यू बिगनिंग, ओल्ड कंप्लीशन, पुराने का खत्म तो नया का बिगनिंग। तो इस तरीके से ये फुल मून पाइसेस जो राशि है, मीन राशि, इसका ये एक समय है जिसको आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने आलस को दूर करना, अपने पर्टिकुलर कोई बैड हैबिट है, या समझ लीजिए कोई लेट से उठते हैं, या मेडिटेशन नहीं करते हैं, या बहुत खाने का आदत है, बहुत सोने का आदत है, तो इन सब चीजों को हटा सकते हैं, अपने लाइफ से इन सब चीजों को रिलीज कर सकते हैं और कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो रिलीजिंग के साथ साथ इसका, इस मंथ का, इस फुल मून का ये एक फायदा है कि कुछ आपको अपने लाइफ के लिए, अपने लिए कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करना मतलब उसे कुछ पूरा करना, आप जो चाहें वो पूरा होए। तो चाहें, पहली बात तो आप चाहत रखें, आप खुद में मन में श्योर हुए कि मुझे किस चीज को है जो मुझे अपने लाइफ में पूरा करना है, वो तो वो चीजें आप कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। जैसे कि हर फुल मून में हम लोग करते भी, येलो पेपर में रेड पेन से हम लिखते हैं अपने विशेष को, चार पांच विशेष आप जो लिख सकते हैं, जो पहले जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब करते ही हैं कि हमारे पहले के भी विशेष लिखे हुए हैं, तो आप इसको अभी निकाल कर रख सकते हैं, इस आज के इस मेडिटेशन के बाद उसको ब्लेस करें कि वो एनर्जी जाए और आपकी विशेष फुलफिल होए। और जो नए हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने चार पांच विशेष को लिखते हैं येलो पेपर रेड पेन, अगर आपके पास नहीं है येलो पेपर रेड पेन तो आप व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, रेड पेन है तो रेड से ही लिखिए, ब्लैक से मत लिखिएगा, ब्लू रेड नहीं है तो ब्लू से लिख लीजिए, लेकिन येलो एंड रेड मैनिफेस्टेशन कलर है। जब लिखने के बाद हम कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट में, कि थैंक यू मुझे ये मिल जाने के लिए, थैंक यू गॉड, आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में, हिंदी में, आपका जो मदर टंग है वो उस तरीके से जो भी आप बोलते हो वैसा लिखिए, तो मुझे ये मिल जाने के लिए शुक्रिया, हम प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को कुछ भी, अगर आपको गाड़ी चाहिए, कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए थी, क्या कलर क्या है, तो मुझे ये गाड़ी मिल जाने के लिए शुक्रिया, मुझे बड़ा सा घर मिल जाने के लिए शुक्रिया, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैं रोज ध्यान करती हूँ और बहुत से फायदे होने के लिए शुक्रिया, इस तरीके से मुझे गुड हेल्थ एंड फिटनेस मिलने के लिए शुक्रिया, मेरी फैमिली में सभी स्वस्थ हैं और खुश हैं उसके लिए शुक्रिया। तो ऐसा कुछ भी आप चार पांच विशेष लिख सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और अपने लाइफ का कुछ एक बड़ा जो आप एम है, तो वो आप लिखने के बाद इस पेपर को हम थ्री फोल्ड करते हैं, अपनी तरफ पहला फोल्ड, फिर टर्न करेंगे हम, फिर अपनी तरफ सेकेंड फोल्ड, फिर वापस अपनी तरफ थर्ड फोल्ड, इस तरीके से हम उस विशेष को लिखने के बाद थ्री फोल्ड करते हैं। विशेष के नीचे में आप नीचे ये जरूर लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर
फुलफिलिंग ऑल माय विशेस इन द राइट वे. शुक्रिया भगवान ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्मांड मेरे सारी इच्छाओं को सही तरीके से पूरा करने के लिए. क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं है, पर आपने बहुत उस चीजों भी कि कुछ गलत वे में कि कुछ एक चीज बुरा हो के कुछ अच्छा मिले, तो ऐसा कुछ नहीं. सही तरीके से आपकी विशेष पूरी होने के लिए शुक्रिया परमात्मा ईश्वर या ब्रह्मांड को. तो ये आप करके आपके पास अगर पिरामिड है तो आप पिरामिड के अंदर आप अपने विशेष को लिख करके रख के इसके इस तरीके से पिरामिड में हम लोग रखते हैं. पिरामिड किसी के पास नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कुरियर कर दूंगी, आपके घर पहुंचा दूंगी. तो छोटे पिरामिड्स हैं, बड़े पिरामिड्स हैं, और जिनके पास है जो ऑलरेडी पहले से लिख के रखे वो आप निकाल कर अपने पास रख लीजिए. और जब विशेष पूरे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने विशेष उस पेपर को चाहे आप फाड़ करके और अपने टेरेस से छत पे या विंडो से आप उसको उड़ा देते हैं कि थैंक यू विश यूनिवर्स. जैसे आपने यूनिवर्स को वापस दे दिया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय विशेस, मेरे सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने वापस उसे ब्रह्मांड में दे दिया है. अब वो कहीं भी गिरे उड़े उससे उसको आप मत सोचिएगा, आपने फेंक दिया. या फिर हम कभी क्या करते हैं किसी नदी में बहा भी देते. तो ये है. और अगर सवाल ये होता है कि मेरे 5 विशेष लिखे थे, मेरे 3 पूरे हो गए, 2 बाकी हैं, तो आप फिर से नए पेपर में वो 2 को लिख लीजिए और पहले वाले को आप फाड़ करके फेंक सकते हैं, उड़ा सकते हैं. तो ये हो गई विशेष वाली बात. अपने और क्या कर सकते हैं इस फुल मून में, आप जैसे हम लोग क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स पहनते हैं या क्रिस्टल्स वगैरह कुछ भी आपको चार्ज करना है तो आप एक कुछ भी ट्रे में बाउल में आप विंडो में जहां पर आपका मून लाइट पड़ता है वरामदा में आपके, तो आप वहां पर रख सकते हैं रात भर कि वो मून लाइट से भी चार्ज हो जाए. हालांकि हम सन में भी करते लेकिन ये फुल मून की मैं बता रही हूँ इसके फायदे के लिए. तो वो हो गया कि आप, लेकिन आप जो भी चीज चार्ज करें, हम वाटर भी चार्ज करते हैं. कभी हम कांच के बॉटल में पानी होता है तो फुल मून में हम विंडो पे रख देते हैं कि उसकी रोशनी इस पर पड़े और वो चार्ज वाटर हो जाए. और आप इंटेंशन डाल सकते हैं कि वो ये चार्ज ये वाटर मून से उसकी एनर्जी से चार्ज हो रहा है और आप अपने पानी को देख के जो आप चाहते हैं कि मेरे मैं अपने ये पानी को पीऊंगी तो मैं गुड हेल्थ और फिटनेस में रहूंगी, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम या डिजीज है तो वो बोल सकते हैं कि इस पानी में सब अच्छी एनर्जी जाएगी और इस पानी को पीने से मैं ये चीज मेरा ठीक हो जाएगा. तो आप इस तरीके से पानी को रख सकते हैं, क्रिस्टल्स को रख सकते हैं मूनलाइट पे. और एक नई बात, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ती सीखती रहती हूँ, वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से. और कहते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कुछ वैसे उन चीजों को भी आप रख सकते हैं इस लाइट में कि वो भी चार्ज होए तो उसका एनर्जी और मल्टीप्लाई होता है. तो क्या कि ताकि आपके जो भी मनी की भी एनर्जी और बढ़े और फ्लो होए, तो ऐसा कुछ भी. लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है कि बिफोर सनराइज सूरज उगने से पहले आपको वो चीजें वापस उठा लेनी है. अगर क्योंकि आपने उसको मून लाइट की एनर्जी से आपने चार्ज करना चाहा था, आप चार्ज कर रहे हैं, तो सन के आने से पहले आप उसको उठा लीजिए. तो वो आप अपने फोन पे अलार्म लगा सकते हैं 4 बजे का या 3:45 का, और इस तरह करके आप उसको उठा के रख सकते हैं. फिर उस पानी को आप पी लीजिए और सोचिए कि हाँ मेरा ये पूरा हो रहा है, मेरा ठीक हो रहा है, ये हीलिंग वाटर है या मैनिफेस्टेशन का है, जो चीजें वो आपकी पूरी हो रही है इसकी. और इस समय आप ये भी फील कर सकते हैं कि आपको बहुत मेडिटेशन के दौरान या 2-3 दिनों आपके बहुत हेडेक हो रहा है, सर में दर्द होता है या कुछ ऐसा, यहाँ पर आपके हेडेक पेन हो रहा है, यानी वो भी अच्छी बात है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है. या फिर ये यू कह लीजिए कि आपका इंट्यूशन लेवल हाई हो रहा है, वो एनर्जी कहीं पर जाके आपको और कुछ और अच्छा कर रही है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन भी हो रहा है जिससे ये आपको ऐसा पेन या हेडेक फील हो सकता है. लास्ट जो बोलूंगी ये बात कि मून में आप फुल मून में क्या कर सकते हैं, अगर आपको आपको मून गेजिंग कर सकते हैं. आप अगर टेरेस पे जा सकते हैं, आपका कैसा घर है, आप बरामदा से आपको दिखता है फुल मून या विंडो से दिखता है, तो कुछ देर रात में बैठ करके वो
पूर्णिमा के चांद को आप देखिए टकटकी लगाकर, जिसको मून गेजिंग या फिर मून त्राटक भी कहते हैं, तो आप वो उसको देख करके फिर आंखें बंद करके कुछ देर आप ध्यान कर सकते हैं। जो कुछ आपका कुछ मन में कुछ है जो पूरा करने का, वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं पूरा होने का। आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड माने आप जो चीजें चाहते हैं उसको आप एक फॉल्स पिक्चर या वो बातें हम लोग लिख के रखते हैं कि ये सब हो गया है, तो ऐसा ये सब चीजों को आप इस तरीके से इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या, लास्ट हम तो है ही ध्यानी, तो हम उस एनर्जी को मेडिटेशन में फुल मून में हम लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इस फुल मून की एनर्जी हमारे अंदर उतरे, हमारे सारे इमोशंस भी बैलेंस रहे, क्योंकि पानी जल तत्व हमारे इमोशन का काम करे तो वो बैलेंस रहे, और साथ ही साथ हम और आध्यात्मिकता में हमारी उन्नति हो, हम और ज्यादा ध्यान की गहराई में उतरें और ध्यान अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक के और अच्छी ऊंचाई वाली में हम पहुंच सकते, उच्चतम स्थिति में हम पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाएं आप आज के ध्यान के लिए, क्योंकि हम जानते ही हैं कि मून पृथ्वी जो हमारा है वो मून और सन के बीच में होता है, और ज्यादा से ज्यादा मून की एनर्जी आज की पूरे दिन रात जो भी है इसमें मून की एनर्जी पृथ्वी पर आ रही होती है। तो हम सब जितना ध्यान करते हैं और ज्यादा अच्छी ऊर्जा से हम भरते जाते हैं। तो हम तैयार होंगे आज के ध्यान के लिए। सभी अपने आप को तैयार करें, जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। शुरू में कुछ देर कोशिश करें कि अपने स्पाइन को, अपनी पीठ को स्ट्रेट ही रखें, फिर धीरे धीरे हम ध्यान में हम शरीर झुक जाता है या कुछ होस्ट नहीं रहता शरीर का, सांस का वो चलेगा, लेकिन आप शुरू में स्पाइन स्ट्रेट रखें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर अपनी गोद में रख लें, आंखें कोमलता से बंद, पैरों को भी क्रॉस कर लें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, और इस बार सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, अपने प्रेजेंट में इस पल में अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। जो सांसें भीतर जा रही है, जो सांसें बाहर आ रही है, उसको ऑब्जर्व करें, साक्षी भाव बनाए हुए अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखें, और सिर्फ इस पल में, आज के इस ध्यान में जुड़े रहें। हम आज के ध्यान विधि में पूर्णिमा ध्यान में आमंत्रित करते हैं एक बड़े से एस्ट्रल पिरामिड को, एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड हम सभी ध्यानियों के लिए हमारे बुलाने से आ चुका है। हमें पता है कि पूर्णिमा ध्यान में तीन गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है, और पिरामिड ध्यान में फिर से तीन गुना ज्यादा ऊर्जा, सामूहिक ध्यान में उसमें भी 3 times more powerful energy। तो आज तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रचुर मात्रा में ध्यान की ऊर्जा हम सबको मिल रही है।
हम सब सूक्ष्म शरीर के रूप में पिरामिड के अंदर बैठे हैं। साथ ही साथ हम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, हमारे गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी, भगवान गौतम बुद्ध, महावतार बाबा जी, उन सबकी चेतना हमारे साथ है, उन सबकी ऊर्जा आशीर्वाद हमारे साथ बनी है। आज के हमारे इस ध्यान विधि में हम पूरे विश्वास के साथ उनका शुक्रिया करते हैं। अपने आप को देख रहे हैं हम पिरामिड के अंदर, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं हम सभी। रोशनी में कितनी चमक है, और यह चांद की ऊर्जा इस पिरामिड पर पड़ रही है। और पिरामिड के आकर तीन गुना ज्यादा इसकी ऊर्जा, इसकी प्रकाश बढ़कर हम सभी ध्यानियों पर गिर रही है। गंगा की तरह हम पर बारिश हो रही है ऊर्जा की। यह आकाश गंगा पिरामिड की ऊर्जा से मिक्स होकर और भी फिल्टर होकर और मल्टीप्लाई होकर हम सभी ध्यानियों पर
एक समान बारिश की तरह गिर रही है। यह चांद की ऊर्जा हमें शुद्धि प्रदान कर रही है। बीत जाने दे अपने आप को इस ऊर्जा की बारिश में, पूरी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे सभी चक्र, सातों शरीर को और हमारे आभामंडल को पूरी तरह शुद्धता से भर जाने दे। यह ऊर्जा कमाल की है, यह हीलिंग एनर्जी की तरह भीतर भर कर हमें स्वस्थ बना रही। गर्दन में, गले में भरती जा रही, महसूस करते जाए इस ऊर्जा को और नीचे उतरते हुए पूरे कंधों पर, दोनों कंधों पर, हाथों में और हाथों की उंगलियां में भी सफेद दिव्य ऊर्जा प्रकाश रूपी फैलती जा रही। गले से नीचे उतरते हुए पूरी छाती पर, पूरे पेट पर फैल रही है यह दिव्य प्रकाश। आपके कमर पर, जांघों में, जेनिटल एरिया, आपके थाइस, घुटनों पर फैल रही है यह सफेद दिव्य प्रकाश। घुटनों से और नीचे उतरते हुए आपके काफ मसल्स पर,
और पैरों के तलवे तक, पैरों की उंगलियां भी फैल चुकी है। सर से लेकर पांव तक प्रकाशित हो चुके हैं, स्वस्थ सांसें भर चुके हैं। शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक शेल, हर एक कोशिकाओं, यदि वे ऊर्जा भर चुकी है, एक एक कोशिकाएं स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रही हैं, सभी ऑर्गन सही से अपना काम कर रहे हैं। सातों चक्र में भी यह दिव्य ऊर्जा भरती जा रही है। मूलाधार चक्र में सफेद दिव्य प्रकाश भरकर महसूस करें, आपका मूलाधार चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक्टिव है, हील है। चार पंखुड़ियों वाला ये मूलाधार चक्र आज बैलेंस्ड है, हील है। बोन्स और मसल से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो रही है। आप अच्छी तरीके से चल फिर पाते हैं, आपका बॉडी फिट है। देखें इस सफेद दिव्य प्रकाश को अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र में भरते हुए। नाभि से 2 इंच नीचे सफेद प्रकाश उसमें भरकर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र आज क्लॉकवाइज घूम रहा है, हील्ड है, बैलेंस्ड है। हमारी भावनाएं संतुलित हैं, सारे इमोशंस, डिजायर सब बैलेंस्ड है। हमारी क्रिएटिविटी एनहेंस हो रही है। मणिपुरा चक्र में नाभि से 3 इंच ऊपर पेट के पास या सफेद प्रकाश उसमें भरते हुए उसे पूरी तरह हील कर रही है। मणिपुरा चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक्टिव है। पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस और पावर सही जगह इस्तेमाल करती हूँ। देखिए अपने चौथे चक्र अनाहत चक्र दिल के पास पूर्णिमा के चांद की सफेद दिव्य प्रकाश अनाहत चक्र में भर रही क्लॉकवाइज घूम रहा है। अनाहत चक्र हील है, एक्टिव है, बैलेंस्ड है। दिल में सबके लिए नहीं स्वार्थ प्रेम भाव, कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
मैं सबको निस्वार्थ प्रेम करती हूँ और सभी से प्रेम पाती हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम दया करुणा भरा हुआ है। देखें इस ऊर्जा को अपने पांचवें चक्र गले के पास विशुद्धि चक्र में भरते हुए दिव्य प्रकाश ऊर्जा यहाँ भर कर विशुद्धि चक्र को हील कर रहा है, बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डिजीज है तो वो आज हील हो रही है। आप अपनी बातों को कहने में सक्षम है, क्रिएटिव है, गले में जैसे सरस्वती माँ का वास है। और ऊपर देखें दोनों आईब्रोज के बीच थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र में यह ऊर्जा भरकर उसे पूरी तरह हील बैलेंस्ड एनर्जाइज कर रही है। क्लॉकवाइज घूम रहा है आज्ञा चक्र। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। दिमाग स्वस्थ है। यह ऊर्जा सातवें चक्र सहस्रार चक्र सर के बीचों बीच वहां पर भर रही है और ये हजार पंखुड़ियों वाला सहस्रार चक्र आज खिल रहा है। प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा इसमें समाहित हो रही है। हमें पूरी तरह से दिव्यता से भर चुकी आभा मंडल बड़ा होते जा रहा है। फैल रहा है इस पूरे पिरामिड के जितना बड़ा हो चुका है, चारों तरफ बढ़ता जा रहा है आभा मंडल। ये पिरामिड में इसके प्रकाश हीरे की तरह चमक रही है। पिरामिड में यह ऊर्जा अपने आप को लाइट की फॉर्म में देखें, आत्म रूप में निराकार अरूप इस ऊर्जा के साथ एकाकारता करते देखें। अपने आप को महसूस करें ऊपर उठते हल्के ऊपर ऊपर उठते जा रहे और ऊपर इस पिरामिड से बाहर
की दुनिया को पार करते हुए। इस बड़े से पूर्णिमा के चांद के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ जैसे एक हो गए, उसी के साथ अपने आप को, अपनी ऊर्जा को इसमें समाहित होता हुआ महसूस करें, जैसे आप खुद ही वो बड़े से चांद बन गए। बस इसी के साथ, इस एहसास के साथ अपने आप को उस शांत ऊर्जा के साथ एक होता हुआ महसूस करें, इस वननेस की फीलिंग। अपने आप को प्रकाश के रूप में महसूस करते रहें। Thank you.
खूबसूरती को महसूस करते रहे। इस पल के आनंद, इस पल की सन्नाटे को, मौन को महसूस करें। ये चांद की ऊर्जा संजीवनी बूटी के समान काम कर रही है। पूरी तरह स्वस्थता से भरकर ऊर्जावान बनकर धीरे धीरे फिर से अपने आप को, अपनी आभा मंडल को समेटते हुए धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे, फिर से उस चांद को देख पा रहे, उसकी ऊर्जा के साथ एकाकारता करते हुए वापस से उस तारा मंडल को पार करते हुए अपने आभा मंडल को और समेटते हुए फिर से पृथ्वी पर अपने आप को महसूस करें। फिर से उस पिरामिड को और अपने आभा मंडल को समेटते हुए हम पहुंच चुके हैं इस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर। और अपने आप को देखिए सूक्ष्म शरीर के रूप में पिरामिड में बैठे। आप प्रचुर मात्रा में दिव्यता से भरे, नई ऊर्जा से भरे हुए। आशीर्वादों से भरे हुए लौट चुके हैं। मणि की तरह, हीरे की तरह चमक रही है इस पिरामिड में ऊर्जा चारों तरफ। और हम सभी ध्यानी भी एक लाइट बीम की तरह ध्यान में बैठे, अलग बनकर, खास बनकर, पूरे नए हो चुके हैं। इसी ऊर्जा को अपने भीतर बाहर चारों तरफ महसूस करती रही।
आखिरी 5 मिनट से ध्यान की पूजा के साथ आशीर्वादों के साथ बने रहे। मन ही मन शुक्रिया करेगी सभी दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। शुक्रिया करेंगे आज के ध्यान में हमें मिले दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करेंगे हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी को, भगवान गौतम बुद्ध, हमें अपनी दिव्यता से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस पूर्णिमा के चांद को शुक्रिया हमें शुद्धता से भरने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रल पिरामिड को शुक्रिया हमारे बुलाने पर आने के लिए और हमारी एनर्जी को और मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को हम प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देते हैं, एस्ट्रल पिरामिड को विदा करते हैं। सभी दिव्य देवदूतों, आध्यात्मिक सहायकों, गुरुओं, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, आवर स्पिरिट गाइड, पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए अभी के लिए हम उन्हें विदा करते हैं। ध्यान से बाहर आने का समय आ चुका है, तो अपने आप को फिर से देखेंगे हम अपने भौतिक शरीर में। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने आप को अपने भौतिक शरीर में महसूस करें। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें, अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करें। प्रचुर मात्रा में दिव्यता और ऊर्जा से भरे हुए आप देखिए, आपसे यह ऊर्जा निकलकर, अतिरिक्त ऊर्जा निकलकर पूरी आपके घर पे भी फैल रही है। घर का हर एक कोना, हर एक कमरा, दीवार, जमीन, छत, सभी ऊर्जा से चमक रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य,
सभी को यह दिव्यता मिल रही है, ऊर्जा भर रही है, सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। पूरी पृथ्वी आज इस पूर्णिमा के चांद की रोशनी से चमकदार हो रही है, स्वस्थ हो रही है। आवर मदर अर्थ टोटली फिल्ड विद डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी एंड डिवाइन प्योर पावरफुल एनर्जी। हमारी पृथ्वी माँ स्वस्थ है, सभी पृथ्वीवासी स्वस्थ हैं, खुश हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस फॉर योर डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। अपनी ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वादों से हमें भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हथेलियों को आपस में धीरे से रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। मलता से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, आज के दिन के लिए सोचा डाले। थैंक यू एवरीवन फॉर द ग्रुप एनर्जी। अनम्यूट कर रही हूँ एक बार, सभी क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू मैम, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू श्वेता जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा ध्यान सचमुच में अच्छा हुआ था। मैं भी बिल्कुल डूब गई थी, बिल्कुल खो गई थी, उस एनर्जी को फील कर पा रही थी। तो अभी हाँ, मैंने वापस से म्यूट ऑल किया है कि अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करें आज अपना मेडिटेशन का तो हैंड रेज करें, तो मैं 3-4-5 हम लोग एक्सपीरियंस शेयर ले सकते हैं और फिर मीटिंग एंड कर सकते हैं। मैसेजेस में है आप लोगों की अमेजिंग ऑसम मेडिटेशन, थैंक यू। आप लोगों को भी उतना ही शुक्रिया। सुमन जी, हाँ अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमन जी। आ रही दीदी? अब आ रही है, बोलिए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा आपने बोला एनर्जी लीजिए, ऊर्जा लीजिए, लगता है इतनी ऊर्जा मिल रही, इतनी ऊर्जा मिली आपको क्या बताएं। आप बोले आसमान से ऊपर जाते जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, इतना अच्छा लगा, लगा कहाँ पहुंच गए एकदम। सही, बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या बोले, मतलब धन्य हो गया मेरा तो जीवन। बहुत बहुत बढ़िया, जितना ध्यान करेंगे धन्य होते जाएंगे। बहुत अच्छा, सच में चंद्रमा के पास पहुंच गया आज एकदम। वाओ, बहुत अच्छा। और आज फुल मून है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसी मेडिटेशन को हम लोग रात में फिर से कर सकते हैं, शायद पत्री सर के भी आज है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं म्यूजिक मेडिटेशन को। रात को बरंडे में जाएंगे, बालकनी में जाके चंद्रमा से आंख मिलाएंगे एकदम जरूर। जो जो बोलेंगे सब करेंगे। ओके, थैंक यू सुमन जी। सुनीता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। श्वेता जी नमस्ते, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी प्रणाम।
आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था मुझे. पहले तो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे तो बिजी थी थोड़ा सा, लेकिन जब भी मैंने ज्वाइन किया मैं एकदम से जैसे इन्वॉल्व हो गई इसमें, मुझे पता ही नहीं चला. और इतनी ट्रिमेंडस एनर्जी और पूरी बॉडी जो है मुझे अपनी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई लग रही है. कोई मुझे लग नहीं रहा कि कहीं मुझे पेन है, कहीं मुझे कुछ है, कुछ भी नहीं. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल इतनी हेल्दी कभी नहीं रही जितनी आज मैं महसूस कर रही हूँ. और आज जो मुझे लगा, मुझे ऐसा बिल्कुल आज महसूस हुआ कि जब हम जैसे ऊपर जा रहे थे चांद को देख रहे थे, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है मैंने उसको महसूस किया बाहर निकलते हुए और अंदर आते हुए. बिल्कुल मुझे वो फीलिंग एकदम से आई और ये मेरे लिए बड़ी मतलब स्पेशल फीलिंग थी. ये मुझे बहुत ही इस चीज का एहसास हुआ. इट वाज रियली, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इसको, कि मुझे लगा कि जैसे मैं अलग हुई अपने फिजिकल बॉडी से, मेरा बॉडी बाहर निकला और मैं बाहर कहीं कर रही हूँ बिल्कुल लाइट फॉर्म में. और उसके बाद जब आपने एंड किया, जब आपने कहा कि आप धीरे धीरे वापस आए, उस वक्त मुझे एकदम झटका लगा और ये लगा कि जैसे फिर से मेरी बॉडी में कुछ घुस आया. तो इट वॉज ए ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस फॉर मी. एक्सीलेंट, इट वॉज एक्सीलेंट. और बाकी क्या कहूँ, बाकी तो आपका पता ही है कि आपका जो भी मेडिटेशन आप कराते हैं तो उसमें तो कुछ अलग ही चीज होती है. उसमें क्या मिला होता है ये मैं कह नहीं सकती कि उसमें क्या चीज होती है. वो बहुत इफेक्टिव, बहुत इम्पैक्टफुल होता है. उसके लिए आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जैसे हमने अपना विशेष हम लिखते हैं और उसमें विश बॉक्स में रखते हैं. सपोज मैंने 3 या 4 विशेस लिखी उसमें और मैंने अपने बॉक्स में रखी, लेकिन उनमें से अगर एक ही विश पूरी हो, जैसे अभी जैसे फुल मून आ गया तो विद इन 1 फुल मून जो है एक ही विश पूरी हुई, तो मुझे क्या उसको उसी बॉक्स में रखना चाहिए वैसे ही, या मैं उसको निकाल के फिर दोबारा से लिख के रख सकती हूँ? सुनीता जी, मैंने हाँ आपने कहा ना कि शुरू में आपका मिस हो गया, तो मैंने वापस से सारी चीजें बताई थी, एक्सप्लेन करी थी आज इस चीज को भी. आपका सवाल जो है उसके लिए भी मैं बोली थी मेरा मिस हो गया. हाँ कोई नहीं, आप अपने विशेष लिखिए, अगर एक पूरा हुआ है आप रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप नए पेपर में फिर से लिखिए जो जो हो चुके हैं उसको छोड़कर नए पेपर में फिर लिखिए. पहले वाले को आप उसको फाड़ कर आप अपने विंडो से या टेरेस से ऐसे उड़ा सकते हैं कि यूनिवर्स को मैंने दे दिया. ओके, वो आप कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. आपके एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब होते हैं, बहुत अच्छा शेयर करने के लिए. प्रियांशी, प्रियांशी हमारे साथ है आज, मेरी बच्चों के ग्रुप की ये मेरी प्यारी सी स्टूडेंट है. शेयर करिए, अनम्यूट करो. यस मैम. मैम मेरे को एकदम भी लगा था, मेरे को लगा था कि मेरा जो भी डिजीज या कुछ भी है वो सारा भाग गया और कुछ भी नहीं बचा है, और वो दर्द एकदम भाग गया एकदम, और जो फुला हुआ था एकदम एकदम ठीक हो गया और सब ठीक हो गया है. वेरी गुड, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो मेडिटेशन में, मेरे को सब फील हुआ. और मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे को ना आंसू आ रहा था, ऐसा क्यों? हाँ प्रियांशी, एक तो प्रियांशी के लिए बता दूं, ये बहुत ही ब्रेव गर्ल है और बहुत अच्छे से मेडिटेशन करती है. आज ये जब से जुड़ी है 3 साल हो गए ऐसे कुछ, और डेली ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है. बहुत पॉजिटिव है, इसको जब भी अगर कभी फीवर होए या कुछ, अभी भी इसके कुछ गले में थोड़ा पेन हो रखा है तो और भी वो मेडिटेशन फॉलो कर रही है, और उसको पूरा विश्वास है कि मेडिटेशन करके मैं पूरी तरह हील हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी. तो उसके लिए हम सभी क्लैप करेंगे प्रियांशी के लिए. और बेटा आपका सवाल है कि आंसू आते हैं कभी कभी हमारे मेडिटेशन में, हमें कभी बहुत आनंद आता, बहुत मजा आता है तो हमारा सोल बहुत खुश हो रहा होता है कि वाह ये, क्योंकि ये सोल हमारे बॉडी के अंदर में है, मतलब बॉडी का ये सोल का घर है, जो तुम और धीरे धीरे समझोगी इस चीज को, बाद में बड़ी होगी तो हमारे अंदर का जो मेन जो एसेंस है, हमारा सोल या गॉड कह लो कि हमारे अंदर वो गॉड, वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि वाह प्रियांशी मेडिटेशन कर रही है, आज मेरा ये बॉडी मेडिटेशन में बैठा है, तो वो खुश होके कभी कभी आंख से आंसू आ जाते हैं. तो इस कारण से बेटा
गुड अलका जी ना वेट अलका जी अनम्यूट करें। नमस्ते नमस्ते अलका जी मैं देखो कितने दिन से कर रही हूँ अभी मेरा ना 10-15 मिनट में बॉडी है ना हैवी हो जाता है पहले नहीं होता था अब भी ऐसा हो रहा है ऐसा क्यों जबकि मुझे तो करते करते बहुत दिन हो गए आपके मैंने कोर्स भी किए हैं अब भी पता नहीं ऐसा लग रहा है अंदर कुछ है कि क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरे अंदर कुछ भर गया क्या कि क्या कारण है कि मेरे को हैवी लगता है बहुत। अलका जी कभी भी हमको मेडिटेशन जो हम एनर्जी हमारे अंदर आती है तो कभी हमको हल्का भी लग सकता है कभी भारी भी लग सकता है ये एनर्जी का ही खेला है जो मैंने पहले भी एक्सपीरियंसेस में मैंने बताया कि ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं तो कभी शरीर का हल्का लगना भी हो सकता है कभी भारी लगना भी हो सकता है तो कोई बात नहीं वो एनर्जी ही हमारे अंदर आ रही है जो कुछ ना कुछ वो अपना जहां उसको जरूरत है वहां ज्यादा जाएगी कम जाएगी हीलिंग करेगी जहां कहीं भी दर्द के रूप में हमारे बाहर आएगी तो ऐसा कुछ भी है तो हल्का लगना भारी लगना दर्द होना बिना तो ऐसा जो भी है ये सब ध्यान का ही है बस यही है कि हमने हम सब मेडिटेशन में बैठे हैं और जो अपनी एनर्जी अपना काम कर रही है कभी किसी को कुछ भी नहीं लगना तो वो भी ठीक है हमारा मैं पहले भी बताती हूँ कि जैसे इस तरह हम बैंक में मनी इकट्ठा करते हैं डिपॉजिट करते हैं उसी तरह हम जितना ध्यान करते हैं हमारा स्पिरिचुअल मनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते जा रहा है जो कि वो काम आएगा हमको कभी भी हमारे शरीर को तो निरोगी बनाएगा जीवन को सुंदर बनाएगा और हमारे नेक्स्ट री इनकार्नेशन में भी काम आएगा तो हम जब ध्यान में बैठे हैं वो हमारा बेस्ट है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने इस लाइफ का तो जो होता है उसको हम बिल्कुल सरेंडर भाव में छोड़ देंगे। सुनीता यादव जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। हेलो हाँ बोलिए सुनीता जी। नमस्कार पहले श्वेता जी आपको बहुत बहुत नमस्कार मैं आपके पास मैं आपको बताती हूँ पहले मैं यूट्यूब से आपसे जुड़ी हूँ मैंने आपको मैसेज किया था आपका मैं मेडिटेशन में देखती थी यूट्यूब में बहुत आपका गजब सुपर जो कुछ बोला जाए इतना बढ़िया मेडिटेशन करवाते हो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दूसरा एक आपकी आवाज इतनी सुंदर आवाज है कि आवाज सुन के ही बंदा ना मेडिटेशन बैठे तो बैठ जाएगा बहुत ब्यूटीफुल बहुत बहुत ब्यूटीफुल शोलो बहुत ब्यूटीफुल आपकी आवाज है जितनी तारीफ करो उतनी कम आपकी सोल को बहुत तहे दिल से नमन है। मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा था बहुत अच्छा एनर्जी फील करती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आज आपने बात किया था जो नंबर मोबाइल में या कोई भी नंबर तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं जितनी बार भी मतलब दिन में मुझे 5-6 बार या दिन में 3 बार तो डेली मतलब पूरा सेम 12-12, 11-11 या 4-4-4 या 7-7-7 मतलब ये 7-7 ऐसे मतलब पूरा पूरे दिन मेरे साथ चलता रहता है बस उस टाइम मैं या तो ब्लेसिंग्स को करती हूँ या फिर कुछ भी मतलब ऐसे थॉट डाल देती हूँ बट ये कैसे क्या करना चाहिए इसका मेरे साथ डेली होता है ये जब मोबाइल खोलो तो यही नंबर आते रहते हैं मेरे पास सारे। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनीता जी ये जो नंबर है ये एंजेलिक नंबर है और ये स्पिरिचुअल कॉलिंग है। ये नंबर्स मुझे भी जब मैं आई थी अध्यात्म में मैं भी जुड़ रही थी तो मुझे सेम जैसे आप कह रहे हैं मुझे दिन भर में वही सेम नंबर्स दिखते थे अगर जैसे मोबाइल में अगर 12 भी बज रहा है रात के तो 0000 हो जाते थे या 11-11 या इस तरीके से 13-13 तो ऐसे दिखते थे। फिर मैंने भी सर्च किया कि इसका क्या मतलब है क्या है तो ये था कि स्पिरिचुअल कॉलिंग कि आपका इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत मतलब आपकी एंट्री हो रही है आप ध्यान करेंगे तो आप बहुत अच्छे से और कभी 11-11 दिखता है तो वो मैनिफेस्टेशन का भी है कि एंजेलिक नंबर भी बोलते हैं और उस वक्त आप जो सोचेंगे वो आपका समझ लीजिए फोटो क्लिक कर लिया गया स्क्रीनशॉट कि जो आप उस समय सोच रहे हैं वो आपके पूरे होंगे मैनिफेस्टेशन आपका होता है तो बहुत अच्छा है सेम नंबर्स दिखने का। मैंने तो खुद ही देखा है इसका रिजल्ट कि बहुत अच्छा आपके लिए आपकी लाइफ के लिए जर्नी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। ओके तो इस तरीके से कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में एंट्री हुई है और आपने यूट्यूब से देखा आपने सर्च किया आप यहाँ पहुंचे क्योंकि हमको खोजना है हमको बनेंगे
तो हमको मंजिल मिलेगी। तो जैसे आपने खोजा और आप यहाँ तक आए, हमारे ग्रुप में आज जुड़े हैं, उसके लिए बहुत मोस्ट वेलकम आपको। हम सब की तरफ से हम लोग आपका एक नए मेंबर का स्वागत करते हैं, ध्यानी का, नए सोल का। और तो बस यही है कि मेडिटेशन करते जाइए और अच्छी अच्छी चीजें, अब क्योंकि आप जितना अब आपको जो सेम नंबर्स दिख रहे हैं, आप अच्छे थॉट लाइए उस समय कुछ अच्छा कि जो आपका मैनिफेस्ट होगा। और अभी जितना आप ध्यान करते जाएंगे, जितने हम ध्यानी और आगे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम बढ़ते जाते हैं, तो हमको सोच कर सोचना पड़ता है कि हम जो सोचते हैं वो भी पूरा होने लगता है। तो बस अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छे के लिए है। पूरे दिन चलता रहता है, जैसे ही मोबाइल उठाओ वही चलता रहता। तो आप क्या बोलेंगे उसमें, आपको ये बोलना है थैंक यू एंजल्स या फिर थैंक यू यूनिवर्स तो फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू एंजल्स फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माय विशेस, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी, शोइंग मी द राइट पाथ। इस तरह करके आप उनको थैंक्स कर सकते हैं कि आप मेरे साथ हैं, मुझे आप गाइड कर रहे हैं, मुझे आप सही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया। तो बस आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक्स गिविंग करेंगे, तो अपने आप और अच्छा होता जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी।